अमेरिका की यूक्रेन तक पहुंचते ही जंग में परमाणु पनडुब्बी की एंट्री हो गई है। नाटो की ललकार के बाद पुतिन ने एटमी पनडुब्बी उतार दी और ये पनडुब्बियां धमक के साथ नॉर्थ अटलांटिक का चक्कर लगाकर लौट आई हैं। ये सभी ऐसी मिसाइलों से लैस थी जिसकी जद में पूरा यूरोप था। पुतिन ने जिस तरीके से धमकी दी कि अगर कोई यूक्रेन का साथ देता है तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अटलांटिक सागर में रूसी परमाणु पनडुब्बियां उतरी हैं। हालांकि इससे पहले पुतिन ने यह चेतावनी दी थी कि अगर कोई और देश किसी भी तरीके की मदद करते हैं और हमें अगर अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो परमाणु हमले करने से भी हिचकेंगे नहीं। ये पुतिन के शब्द थे। और समंदर का चक्कर काटकर वापस लौटी है रूसी पनडुब्बियां। राजेश पवार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, अटलांटिक सागर में रूसी परमाणु पनडुब्बियां उतरी हैं, इसका क्या मतलब? यानी पहले चेतावनी और अब एक्शन में और दिख रहे हैं पुतिन। देखिए अर्पिता, मैं आपको पहले एक बार आसपास का इलाका दिखा दूं। मैं इस वक्त कीव के पुराने शहर में हूं। यहां एक छोटी सी कॉन्सर्ट चल रही है। लोग किस तरह इस युद्ध से जूझ रहे हैं, कैसे अपने आप में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो आपको एक बार दिखा दूं आसपास, लोग उनसे बात करा दूं आपकी। मैं यहाँ एक छोटी सी कॉन्सर्ट चल रही है। ये पुराना शहर है, ये लैंडमार्क कैथेड्रल है यहाँ का। ये देखिए, ये पुराना शहर और यहाँ एक छोटी सी कॉन्सर्ट चल रही है। लोग इसी में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुराना शहर है कीव का, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये और बहुत तेज हवा है, शायद अब इतना साफ नहीं आएगा, आवाज साफ नहीं आएगी, लेकिन क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, मेरे साथ इस वक्त यहाँ दो म्यूजिक एंथुसियास्ट हैं। हाय। और ये युद्ध का 31वां दिन है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे इससे कोप कर रहे हैं, कैसे इससे फील रहे हैं। हाउ डू यू फील ऑन द 31st ऑफ द वॉर? We got a little used to it. You know, at first, all I did was crying and watching the news and reading the news all the time. And now we are starting to do something like to gather here and make this concert to make people feel better, to unite, to create something even in these hard times. And in Kyiv, we feel safer than in some places like Mariupol or Kharkiv. We are praying about the cities and staying in Kyiv, which is more safe, where we have an opportunity to make this concert like today. And Kate, how life has changed? Kate is me. Okay. Lada. Okay, Lada, how life has changed in these 31 days of war? How it has changed? Of course, my life changed so much. And now, I feel more stronger, more creative, more, more kind. Because this time when we feel really united. United. Okay. And how... What we are person. Okay, I'll just take your interview after this. I'll go back to the TV. Arpita, अगर आपको आवाज आ रही हो लोगों की, तो देखिए किस तरह से युद्ध के माहौल में भी ये लोग किसी तरह से छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्ट्रेस से कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इस लड़ाई के माहौल में 31 दिन के बाद ये लोग अब जी रहे हैं। अब अपने सवाल पे आइए प्लीज। क्या सवाल पूछे थे आप? बिल्कुल राजेश, रहिए जरा आप साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं, फिर आपका भी रुख करेंगे। तो एक बड़ी खबर आ रही है, अब अमेरिका जिस तरीके से पोलैंड में जाकर आगे बढ़कर रणनीति बना रहा है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है बाइडेन की। इन सबके बीच पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। अब वो बड़ा बयान क्या? अमेरिकी सैनिकों से बोले हैं बाइडेन कि यूक्रेन में होंगे तो यूक्रेनी की बहादुरी देखेंगे। यानी किस तरीके से इस जंग में यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं, वहां के आम लोग लड़ रहे हैं, यूक्रेन को मदद बढ़ाएंगे नाटो के देश। ये भरोसा भी एक बार फिर से बाइडेन की तरफ से दिया गया है। पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ये बड़ा बयान सामने आया कि यूक्रेन में अगर होंगे तो यूक्रेनी की बहादुरी देखेंगे। किस बहादुरी के साथ आज 31वें दिन तक युद्ध चल रहा है ये देखेंगे सैनिक। राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, मेरा सवाल आपसे था, क्योंकि देखिए ये भी आप जिस तरीके से अमेरिका लगातार पोलैंड में जाकर जो बयान दे रहा है उससे कितना असर पड़ेगा युद्ध पर, एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ जो धमकी पुतिन दे रहे थे
परमाणु हथियारों की, अब उनकी रूसी पनडुब्बी जो है वो समुद्र का चक्कर काटकर वापस लौटी है, इन सब के क्या संकेत? देखिए अर्पिता, जो ये बयान था प्रेसिडेंट बाइडेन का, ये आज सुबह आया था और वो बोल रहे थे जब अमेरिका से, जो उनकी 82nd एयरबोर्न डिवीजन थी अमेरिकन सैनिकों की, उनको जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगर आप यूक्रेन जाएंगे तो वहां देखेंगे सिविल किस बहादुरी से लड़ रहे हैं। देखिए अपने आप में एक सिंबॉलिक बयान था, क्योंकि पुतिन ने, इसने प्रेसिडेंट बाइडेन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजेंगे, तो अपने आप में एक सांकेतिक था, वो कभी वहां जाने वाले नहीं है, वो सैनिक भेजने वाले नहीं है। ये अपने आप में सिर्फ एक तरह का संदेश था कि अगर आप वहां जाएंगे कि सिविल किस तरह से कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत से और मेजर्स अनाउंस किए हैं, बहुत से सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, 4 बैटल ग्रुप्स लगाए जाएंगे हंगरी में, स्लोवाकिया में, पोलैंड में, और जो बाल्टिक कंट्रीज हैं लाटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, वहां भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया। अगले 5 साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बजट को बेहतरीन बताया है। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पर बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन दो समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ, मुझे नहीं लगता रोजगार पैदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के जरिए किया गया है। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। जो जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफी सारे जॉब्स निकलेंगे। दिल्ली के बजट पर आज तक संवाददाता पंकज जैन ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज अपना 8वां बजट पेश किया है और दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मंत्री मनीष सिसोदिया बन गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो जुड़ गए हैं। सर, आपने जो आज बजट पेश किया उसमें आप बार बार कारोबार और रोजगार की बात करते नजर आए, ये किस तरह से रोजगार बजट है, आपने क्यों ये नाम दिया? दिल्ली में लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त नौकरियां हैं। दिल्ली की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और परिवार की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात हमने काफी रिसर्च कराई, हमने लोगों से भी सुझाव मांगे, उसमें भी हर जगह से ये निकल के आया कि साहब आप जो भी स्कीम बनाए उसमें रोजगार को भी देखिए। आमतौर पर हम जब भी स्कीम बनाते हैं उसमें देखते हैं एक हॉस्पिटल बना दिया, इतने लोगों को इलाज मिल जाएगा, एक स्कूल बना दिया उसमें इतने बच्चे पढ़ लेंगे, ये सड़क बना दी, ये फुटओवर ब्रिज बना दिया, इस पर इतने लोग निकल जाएंगे, उस तरह से सोचते हैं। लेकिन लोगों ने हमें प्रेरित किया जब हमने फीडबैक मांगी कि साहब आप अपनी हर स्कीम को रोजगार से जोड़िए, कि आप सड़क भी बना रहे हैं उसमें कितने रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, आप फुटओवर ब्रिज भी बना रहे हैं तो उस फुटओवर ब्रिज को बनाने में, उसको साफ रखने में, उसको चलाने में कितने लोग को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि अगर उस तरफ नहीं देखेंगे तो रोजगार के दृष्टिकोण गायब है सारे सरकार के काम में। तो हमने इस बार के बजट में रोजगार को, सारे बजट को रोजगार के चश्मे से देखा है। और साथ साथ जब ये देखना शुरू किया तो समझ में आया कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी बनाने की जरूरत है दिल्ली में जहाँ हमारे दुकानदार, हमारा प्राइवेट सेक्टर, दिल्ली का रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, ये सब मिलके बहुत नए नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है। यूक्रेन पर रूसी बारूद लगातार बरस रहे हैं, मिसाइलें और रॉकेट बरसाने के साथ साथ रूस परमाणु हमले की धमकियां भी लगातार दे रहा है। इन धमकियों का सीधा मकसद पश्चिमी देशों को यूक्रेन जंग से दूर रखना है। माना तो यही जा रहा है कि रूस की ये धमकियां बस धमकियां तक सीमित रहेंगे,
लेकिन हैरतअंगेज तरीके से रूस ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतार दिया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। पुतिन ने जब परमाणु हमले की धमकी दी थी उसी के बाद इन परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया गया था और ये कहा जा रहा है कि अटलांटिक का चक्कर काटकर ये पनडुब्बियां वापस रूस लौट आई हैं। कितनी हकीकत है पुतिन की परमाणु धमकी? यूक्रेन के लिए सच में परमाणु जंग छेड़ देगा रूस? रूस से निकली कहां तक पहुंची परमाणु पनडुब्बी? परमाणु हमले की धमकी ना हुई बच्चों का खेल हो गया। जब से यूक्रेन को लेकर तनातनी बढ़ी तभी से रूस पश्चिमी देशों को अपनी परमाणु ताकत के नाम पर धमका रहा है। लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि रूस के ये तेवर सिर्फ धमकियों तक ही सीमित हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। परमाणु ताकत से लैस रूस की परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतर चुका है। 23 मार्च को ही रूस की तरफ से परमाणु हमले की ताजा धमकी जारी की गई थी। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तुरंत बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को समंदर में उतारने का हुक्म जारी कर दिया। रूस की उत्तरी सीमा से पनडुब्बियों का ये बेड़ा पूरे यूरोप को लांघते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद पनडुब्बियां वापस रूस लौट गई। रूस की ये पनडुब्बियां 16-16 मिसाइलों से लैस हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन यह एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश की खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन पर उसके हमलों से पूरी दुनिया चिंता में है। दुनिया भर में सभी ताकतवर देश यूक्रेन के पड़ोस में 3-3 बैठकें कर चुके हैं और रूस के धुर विरोधी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद यूक्रेन सीमा के दूसरी तरफ पोलैंड में मौजूद हैं और नेटो देश रूस को बार बार परमाणु हथियारों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। एनी यूज ऑफ केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स will totally change the nature of the war in Ukraine. It will be absolutely unacceptable and it will be a blatant violation of international law and therefore allies have also clearly stated that Russia should not use chemical, biological or of course nuclear weapons. हैरानी की बात यह है कि युद्ध के ऐसे सुलगते माहौल में पूरा यूरोप लांघकर रूसी पनडुब्बियां अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में बगैर रोक टोक चक्कर काटाई। किसी भी देश के साथ इनका टकराव भी नहीं हुआ, लेकिन रूस का इतिहास देखें तो ये बात ज्यादा हैरतअंगेज भी नहीं लगती। क्रीमिया युद्ध के दौरान भी रूसी पनडुब्बियां ऐसे ही बेरोक टोक घूम रही थी। सवाल उठता है कि क्या रूस वाकई परमाणु हमले का मन बना रहा है या फिर ये कवायद भी उसकी धमकाऊ कूटनीति का ही हिस्सा है। ये एक्शन रिएक्शन है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया की बात है। रूस ये धमकियां दे रहा है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, साथ ही साथ जो कल नेटो की मीटिंग हुई है परसों, उसमें इन्होंने तय किया है कि हमारा जो पोस्चर है, जो अब तक डिफेंस पोस्चर था वो अभी डिफेंसिव पोस्चर हो जाएगा। वो अभी अपने जो हथियारों की सैनिकों की संख्या बेलारूस के और यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है, ये स्वाभाविक है। और ये एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरे विश्व का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। अब हाल ही में रूस 24 घंटे के अंदर 2 बार परमाणु हमले की धमकियां दे चुका है।
23 मार्च को यूएन में रूस के उप राजदूत ने कहा कि अगर नेटो उकसाता है तो रूस के पास परमाणु हमले का अधिकार है। 22 मार्च को ही रूसी प्रवक्ता ने कहा कि अस्तित्व पर खतरा होने की सूरत में रूस परमाणु हमला कर सकता है। 3 मार्च को पुतिन ने खुद अपने न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया था। यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत की याद दिलाई थी। इससे पहले क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी पुतिन ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। एक तरफ रूस धमकी पर धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस भी धमकी का जवाब धमकी से देने पर उतर आया है। फ्रांस ने अपने ट्रायम्फ क्लास की 3 पनडुब्बियां एक साथ समंदर में उतार दी है। ट्रायम्फ क्लास पनडुब्बियां परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं। फ्रांस के पास ट्रायम्फ क्लास की कुल 4 पनडुब्बियां हैं। 4 में से 3 ट्रायम्फ क्लास की पनडुब्बियां समंदर में लगातार गश्त लगा रही हैं। 30 साल में पहली बार हुआ है कि फ्रांस की 3 ट्रायम्फ पनडुब्बियां समंदर में उतरी हों। पश्चिमी मीडिया रूस की पनडुब्बियों को दबंगई की ही नुमाइश मान रहा है और फ्रांस के कदम को भी इसी के जवाब में देखा जा रहा है। डर इस बात का है कि जब ताकतवर देश इस तरह खुलेआम एक दूसरे को परमाणु बम दिखाकर आंखें तरे रहे हों तो संयम की डोर कब टूट जाए कौन जाने। कीव से राजेश पवार और वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन करीब 1 महीने से जंग के मैदान में आमने सामने। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन को पैसों और हथियार की मदद दे रहे हैं, लेकिन मैदान में उतरने से सभी को परहेज है। अमेरिका बार बार जता चुका है कि अगर वो रूस से भिड़ा तो विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। हालांकि पर्दे के पीछे वो विश्व युद्ध जैसे हालात ही बना रहा है। आइए आपको दिखाते हैं मौजूदा जंग के 4 बड़े किरदार और उनकी भूमिका आखिरकार क्या है। यूक्रेन के पास पोलैंड में मौजूद है जो बाइडेन। वहां पर विदेश मंत्री रक्षा मंत्री से यूक्रेन की मुलाकात होनी है उनकी। नाटो की बैठक में उन्होंने हुंकार भरी, उन्होंने चेताया रूस को एक बार फिर से यूक्रेन को हथियार भेजने की बात वो बार बार कर रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक भेजी एटमी पनडुब्बी, यही पुतिन जो है, पुतिन का एक्शन क्या है? नाटो देशों को सीधे वो चेतावनी दे रहे हैं, अगर किसी ने भी दखल देने की कोशिश करी तो नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। वो अब पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की जो है वो किस तरीके से एक्शन में, रूस के आगे वो झुकने को तैयार नहीं है, कह रहे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राजधानी कीव की किलेबंदी कर रखी उन्होंने, चारों तरफ से कीव को घेरा गया है। नाटो देशों से लगातार वो मदद मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि क्लियर कीजिए कि हमारे साथ हैं या नहीं है। वहीं पोलैंड के राष्ट्रपति रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। वो अपने देश को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये युद्ध की चिंगारी उन तक ना पहुंचे, इसलिए बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि वहां पर सेना की तैनाती, हथियारों की तैनाती बढ़ानी चाहिए ताकि वो अपने देश को सुरक्षित रख पाएं। रूस को कोई नहीं रोक पाया, न इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश, न अमेरिका की चेतावनी, न नेटो की धमकियां, न यूक्रेनी राष्ट्रपति की अपील। यह सब कुछ होता रहा और युद्ध 31वें दिन तक पहुंच गया। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूस के घातक हमले बदस्तूर जारी हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। यूक्रेन के किसी भी कोने में रूस को बम बरसाने से कोई नहीं रोक पा रहा है। इकतीसवें दिन भी यूक्रेन सुलग रहा है, हर जगह मिसाइल और रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन के आसमान पर गहरा धुआं छाया हुआ है और धमाकों की आवाज किसी भी पल लोगों को दहला देती है। उधर यूक्रेन के पश्चिमी छोर पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति खुद मौजूद हैं, लेकिन बाइडेन की मौजूदगी से भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइडेन रूस की इस दादागिरी से बेहद परेशान हैं, इतने परेशान कि वो सीधे यूक्रेन के पड़ोस में पोलैंड पहुंच गए। तमाम ताकतवर देशों के साथ साथ 3 बैठकें की और पोलैंड में नेटो फौज में तैनात अपने देश के सैनिकों को समझाने भी पहुंच गए कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की इस जंग का क्या मतलब है। Am I going to be the same? Not because of Ukraine, but I'm not going to be the same 10, 15 years from now in terms of our organizational structures. And the question is, who's going to prevail?
democracy is going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail. And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. We're in the midst of, and I don't want to sound too philosophic here, but you're in the midst of a fight between democracies and oligarchies. तीन तीन बैठकों में पुतिन और बाकी ताकतवर नेताओं ने रूस को रोकने का कोई पुख्ता प्लान बनाया है, इसका कोई इशारा फिलहाल नहीं दिख रहा है। सारी बात ले देकर आर्थिक प्रतिबंधों, यूक्रेन के हथियार देने और नेटो देशों में फौज बढ़ाने के इर्द गिर्द ही है। जेलेंस्की की उम्मीद शायद अभी भी कायम थी, जो इन बैठकों के बाद करीब करीब टूट चुकी है। Ми маємо, я вважаю, на це право, право на життя, право на цей 1%. І я не звинувачу зараз НАТО, я хочу бути зрозумілим. Ви не винні, це не ваші ракети, це не ваші. माना जा रहा है कि रूस पर एक्शन से अमेरिका की सबसे बड़ी हिचक यही है कि उसके शामिल होने से ये लड़ाई कहीं विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत के लिए चार किरदार अहम होंगे। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाहर से बैठकर रूस के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और यूक्रेन को लगातार उकसा रहे हैं। दूसरा किरदार रूसी राष्ट्रपति पुतिन होंगे, जो यूक्रेन पर दबदबा जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे परमाणु पनडुब्बियां ही क्यों न उतारनी पड़े। तीसरे किरदार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जो महीने भर की लड़ाई और पूरे देश में मची तबाही के बावजूद झुकने से इनकार कर रहे हैं। चौथा किरदार पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा हैं, जो रूस से खुद डरे हुए हैं लेकिन यूक्रेन में शांति सेना उतारने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई के लिए दुनिया अगर किसी को सबसे ज्यादा याद रखेगी तो वो है यूक्रेनी राष्ट्रपति, जो सारे पश्चिमी देशों के उकसावे पर रूस से भिड़ बैठे लेकिन धोखा खाने के बावजूद अभी तक एक महाशक्ति के आगे अकेले दम पर डटे हुए हैं। नादानी और बहादुरी का ऐसा कॉकटेल बहुत कम देखने को मिलता है। कीव से राजेश पवार और वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन से करीब 20 लाख लोग भागकर पोलैंड आ गए हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में यूक्रेन से आए शरणार्थियों से मुलाकात भी करेंगे और उनकी दी जा रही उनको मानवीय सहायता का जायजा भी लेंगे। रोज हजारों की संख्या में शरणार्थी यहाँ पोलैंड पहुंच रहे हैं। ये वॉर्सो का सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था, और यहाँ से उन्हें सुरक्षित उन स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहाँ वो सुरक्षित रह सके कुछ समय के लिए। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी पिछले एक महीने में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। वैसे तो जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं अपने ही घरों में वो संख्या 30 लाख से ज्यादा है, लेकिन उन शरणार्थियों को जैसा आप देख सकते हैं यहाँ गर्म खाना, यहाँ तापमान रात में 0 से 3 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, दिन के टाइम 10 और 11 डिग्री तक रहता है, और ऐसे में अपने घरों से कुछ लोग तो केवल अपने बच्चों के साथ, और ज्यादातर ये महिलाएं और बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जितने भी 18 से 50 55 वर्ष की आयु के लोग हैं पुरुष, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ आना मना है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दुनिया के कई इलाकों से स्वयंसेवी भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ परितोष है, परितोष यहाँ PhD भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इन इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? ओके, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें, और लोग काफ़ी आगे बढ़ बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पॉलिश लोग। पोलैंड के लोग तो बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन जो समाज सेवी है या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो
कैसे जो शरणार्थी भाग कर आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं? आई थिंक जितना मुझे पता है वो काफी उनके फूड का काफी टेक केयर कर रहे हैं, और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल स्टेशन में इनकी जो लोकल बसेस है वो यहाँ पे लोगों को पहुंचा रही है। जो आउटस्कर्ट्स में जो जगह है कुछ लोगों ने अपने घर या रूम दिए हुए हैं वहाँ पे उनको रुकवा रहे हैं, तो जितना मुझे पता है यहाँ का 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी अब तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ भी सकती है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉरसॉ, पोलैंड, आज तक।